हेलो दोस्तों, प्रोजेक्शन की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, यानी जो पैटर्न तीन कैंडल से मिलकर फॉर्म होते हैं। तो हमारा सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में हमें सबसे पहले एक बीरिश कैंडल देखने को मिलती है, इसके बाद हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और एक स्टार देखने को मिलता है। इसका कलर आपको रेड भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें चार्ट के बॉटम पर देखने को मिलेगा। अब इवनिंग स्टार में हमें मॉर्निंग स्टार के सेम उल्टा देखने को मिलेगा। यहां पर हमें सबसे पहले एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, इसके बाद हमें गैप ओपनिंग देखने को मिलती है और एक स्टार देखने को मिलता है। इसके बाद हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल देखने को मिलती है। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें चार्ट के टॉप पर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के बॉटम पर हमें एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है, जिसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अब इवनिंग स्टार में हमें सबसे पहले प्राइस अप ट्रेंड में देखने को मिलता है। चार्ट के टॉप पर हमें एक इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है, जिसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश अबेंडेड बेबी एंड बीरिश अबेंडेड बेबी। ये पैटर्न आपको मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार की तरह देखने को मिलेगा, लेकिन मॉर्निंग स्टार में हमें जो स्टार देखने को मिल रहा था वो पिछली कैंडल के लो के पास देखने को मिल रहा था, लेकिन अबेंडेड बेबी में आपको जो स्टार देखने को मिल रहा है वो पिछली कैंडल के लो से नीचे देखने को मिल रहा है। बाकी सब कुछ मॉर्निंग स्टार की तरह सेम रहेगा, लेकिन अगर ये पैटर्न आपको चार्ट के बॉटम पर देखने को मिलता है तो इसे हम बुलिश पैटर्न बोलेंगे। अगर यही पैटर्न चार्ट के टॉप पर बनता है तो इसे हम बीरिश पैटर्न बोलेंगे। अब अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के बॉटम पर हमें बुलिश अबेंडेड बेबी पैटर्न देखने को मिलता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। इसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अब बीरिश अबेंडेड बेबी में हमें सबसे पहले मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के टॉप पर हमें बीरिश अबेंडेड बेबी पैटर्न देखने को मिलता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है, जिसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है थ्री व्हाइट सोल्जर्स एंड थ्री ब्लैक सोल्जर्स। अगर हमें चार्ट पर तीन लगातार ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती हैं तो वो हमारे लिए थ्री व्हाइट सोल्जर पैटर्न है, और अगर हमें चार्ट पर तीन लगातार रेड कैंडल्स देखने को मिलती हैं तो वो हमारे लिए थ्री ब्लैक सोल्जर पैटर्न है। थ्री व्हाइट सोल्जर पैटर्न हमें चार्ट के बॉटम पर देखने को मिलेगा और थ्री ब्लैक सोल्जर पैटर्न हमें चार्ट के टॉप पर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के बॉटम पर हमें तीन लगातार ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती हैं तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है, जिसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अब यहां पर हमें सबसे पहले मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के टॉप पर हमें तीन लगातार रेड कैंडल्स देखने को मिलती हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है, जिसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। यहां पर भी हम 1:2 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक एंड बीरिश थ्री लाइन स्ट्राइक। यहां पर हमें सबसे पहले थ्री व्हाइट सोल्जर्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमें एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलती है जो कैंडल पिछली तीनों कैंडल्स को इंगल्फ कर रही है। तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें चार्ट के बॉटम पर देखने को मिलेगा। अब बीरिश थ्री लाइन स्ट्राइक में हमें सबसे पहले थ्री ब्लैक सोल्जर्स देखने को मिलते हैं, इसके बाद हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है जो कि पिछली तीनों कैंडल्स को इंगल्फ कर रही है। तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें चार्ट के टॉप पर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के बॉटम पर हमें तीन लगातार ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती हैं, इसके बाद हमें एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलती है जो कि पिछली तीनों कैंडल्स को इंगल्फ कर रही है। तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है, जिसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अब बीरिश थ्री लाइन स्ट्राइक में हमें सबसे पहले मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के टॉप पर हमें तीन लगातार रेड कैंडल्स देखने को मिलती हैं, इसके बाद हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है जो कि पिछली तीनों कैंडल्स को इंगल्फ कर रही है। तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है जहां से प्राइस नीचे गिर सकता है, जिसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है थ्री आउटसाइड अप एंड थ्री आउटसाइड डाउन। थ्री आउटसाइड अप में हमें सबसे पहले एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलता है, इसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है जो कि नीचे से ओपन होती है और पिछली कैंडल से ऊपर जाकर क्लोज होती है। तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें चार्ट के बॉटम पर देखने को मिलेगा। अब थ्री आउटसाइड डाउन में हमें सबसे पहले एक बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलता है, इसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है जो कि ऊपर से ओपन होकर पिछली कैंडल से नीचे जाकर क्लोज होती है। तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें चार्ट के टॉप पर देखने को मिलेगा।
जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के बॉटम पर हमें 3 आउटसाइड अप पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, जिसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस अप ट्रेंड में था, यानी प्राइस ऊपर जा रहा था। चार्ट के टॉप पर हमें 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है, जिसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो हमारा लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 इनसाइड अप एंड 3 इनसाइड डाउन। 3 इनसाइड अप में सबसे पहले एक बुलिश रमी पैटर्न देखने को मिलता है, इसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है जो कि नीचे से ओपन होकर रेड कैंडल के हाई से ऊपर जाकर क्लोज होती है। तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें चार्ट के बॉटम पर देखने को मिलेगा। अब 3 इनसाइड डाउन में सबसे पहले एक बीरिश रमी पैटर्न देखने को मिलता है, इसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है जो कि ऊपर से ओपन होकर ग्रीन कैंडल के लो से नीचे जाकर क्लोज होती है। तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें चार्ट के टॉप पर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के बॉटम पर हमें 3 इनसाइड अप पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। इसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अब 3 इनसाइड डाउन पैटर्न में सबसे पहले मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के टॉप पर हमें 3 इनसाइड डाउन पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। इसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो आई होप आपको 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा गया होगा। फिर मिलेंगे प्रोजेक्शन की वीडियो नंबर 7 में।